गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या आप उसको रीऑर्डर क्वांटिटी के नाम से पुकार सकते हो, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, दैट इज आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ देखिए ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेस देन 500 अगर ऑर्डर क्वांटिटी रखते हैं तो कॉस्ट पर केजी आपको 10 रुपया लगेगा। वही 500 से 1600 के रेंज जाते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा 9 रुपया 60 पैसा। 1600 से 4000 जाते हैं तो 9.40, 4 से 8 9.20, 8000 और एबव लास्ट ऑर्डर है 9 रुपया। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट चलते जा रहा है। जब क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा लॉट साइज, वैसे वैसे रेट फॉल करेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर में एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोग का है 8000 केजी। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 10 रुपया। तो यहाँ पे हमको ईओक्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर निकालने जाते हैं ए मिलता है, ओ मिलता है, सी 20% चलाना है, लेकिन 20% किसके ऊपर, कॉस्ट पर केजी 5 टाइप का रेट्स दिया हुआ है, तो इसलिए फॉर्मूला चलाना मुश्किल है क्योंकि 5 रेट अवेलेबल है तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। ओके, तो इसको हम लोग 5 रेट होने के चलते ये 20% किसके ऊपर कैलकुलेट करें ये बोलना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबुलर ईओक्यू होता है, टेबल के हेल्प से ईओक्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर है? तो इसको हम लोग ईओक्यू विद द हेल्प ऑफ टेबल कैलकुलेट करेंगे। और एक खास बात यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन सीयू बीकॉम ऑनर्स 2013 में भी आया था, सेम क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले देखा जाए तो एक नंबर कैलकुलेट करते आपका लॉट साइज, या आप इसी को ईओक्यू भी बोल सकते हो। क्लियर? तो वो बोला था लेस देन 500, तो लेस देन 500 में एक ले लेते हैं 400। उसके बाद वो जो बोला था 500, 1600, 4000 और एक ले लेते हैं 8000। ओके, जितना उसका बोला हुआ था सभी ले लिए। आप देख लो यहाँ पे एक बोला है लेस देन 500, तो 500 के नीचे कोई भी ले लेंगे, 400 ले लिए, उसके बाद 500, 1600, 4000 और 8000। ओके, अब इसके बाद लाते हैं एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर में कितना रिक्वायरमेंट था, तो एनुअल रिक्वायरमेंट देखिए 8000 के है, 8000 केजी। तो चाहे आप लॉट साइज कुछ भी रखो, साल भर का रिक्वायरमेंट होगा 8000 केजी। ओके, अब इसको हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट जो आपका था डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एनुअल रिक्वायरमेंट को, दैट इज 8000 को 400 से डिवाइड कर देंगे तो 20 ऑर्डर, 8000 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो 16 ऑर्डर, यहाँ 5 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले लॉट साइज अरेंज कर दिए, एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट अरेंज कर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर। इसके बाद निकालेंगे एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक का मतलब हो जाएगा आपका ईओ क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का ईओ क्यू 400 है, 2 से डिवाइड करेंगे 200, ये हो जाएगा 250, दैट इज 500 डिवाइडेड, ये हो जाएगा 800, 2000 एंड 4000। नंबर ई, कॉस्ट पर केजी। इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा कॉस्ट पर केजी। यहां देखो आप 10 रुपया, 960, 940, 920 और 9 रुपया। यहां पर कॉस्ट पर केजी है 10 रुपया, यह है 960, 940, 920, 9 रुपया। लास्ट एफ नंबर, एवरेज स्टॉक कॉस्ट। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? एवरेज स्टॉक इनटू कॉस्ट पर केजी। ये देखिए एवरेज स्टॉक यहां रहा, कॉस्ट पर केजी ये रहा, इनटू कर दीजिए 2000। ऊपर देखिए 250 इनटू 9.60, ये आया आपका 2400। ये देखिए 800 इंटू 9.40, ये आया 7520, ये आया आपका 18400, ये आया आपका 36000। कैसे आ रहा है? एवरेज स्टॉक है, कॉस्ट पर केजी है, जस्ट उनका मल्टीप्लाई कर देना है तो एवरेज स्टॉक कॉस्ट आ जाएगा। इसको फिलहाल यहीं पे एक बार क्लोज कर देते हैं। यहाँ क्लोज करने के पहले क्या क्या कैलकुलेट किया आप एक बार देख लो। सबसे पहले लॉट साइज, दैट इज वो 500, 400, 500, 1600, 4000 और 8000। एनुअल रिक्वायरमेंट रख दिए 8000 करके, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल दिए एनुअल रिक्वायरमेंट बाय ईओ क्यू, एवरेज स्टॉक ईओ क्यू को हाफ कर दिए, कॉस्ट पर के जी क्वेश्चन से ले लिए और एवरेज स्टॉक इंटू कॉस्ट पर के जी इंटू कर दिए, एवरेज स्टॉक कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट अगर निकालने जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, साल भर में कितना मटेरियल लगेगा, तो ये होता है एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर के जी। एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर के जी, कॉलम में देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 है और कॉस्ट पर के जी 10000 है, तो ये हो जाएगा आपका 80000। यहाँ देखिए 8000 तो फिक्स है, 9.60 रुपया, 8000 इंटू 9.6, ये हो जाएगा 76800। यहाँ देखिए 8000 इंटू 9.40 रुपया, 9.40 रुपया से इंटू किए 75200। इसको देखिए 8000 इंटू 9.20 रुपया, 73600, 8000 इंटू 9 रुपया, 72। ठीक है, तो कैसे आया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल एनुअल रिक्वायरमेंट था, कॉस्ट पर केजी था, एक दूसरे से इंटू कर दिए तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया। इसके बाद चलेंगे हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ₹10। ये ₹10 कहाँ से आया ये भी आपको दिखा देते हैं। एक ऑर्डर का कॉस्ट देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपया है। नंबर ऑफ ऑर्डर आप यहाँ देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको दिखाई देगा, ये देखिए 20, 16, 5, 2, 1, तो ये 10 रुपये से इंटू होगा 200, 160, 50, 20 और 10। और एक चीज आएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज स्टॉक कॉस्ट इंटू 20%। ये 20% कहाँ से आया तो आप क्वेश्चन में देख लो, कैरिंग का परसेंटेज 20% था। अब कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक कॉस्ट पे आता है, ये रहा एवरेज स्टॉक कॉस्ट। देखिए इसका 20% करेंगे 400,
इसका 20% 480। अब ये है 7520 का 20% 1504, 18400 का 20% 3680, इसका 20% 14400। ओके, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालने में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अकरिंग कॉस्ट का यूज होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लिए, एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर केजी, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू 10, अकरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक कॉस्ट इनटू 20%। इसको ऐड कीजिए, ये देखिए 80600 होगा, इसको ऐड कीजिए 77400, इसको ऐड कीजिए 76754, ये ऐड करते हैं 77300, इसको ऐड कीजिए 86410। अगर आप देखो कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हुआ और फिर इसके बाद देखो इंक्रीज कर गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ टोटल कॉस्ट मिनिमम है, इसके लेवल में आप जाइए तो वो पॉइंट आपका ये है। इसका मतलब एट 1600 लॉट साइज टोटल कॉस्ट इज लोअर। देख लीजिए 1600 पे टोटल कॉस्ट लोअर है, अदर कॉस्ट में देखिए हाईएस्ट है। तो अगर टोटल कॉस्ट लोअर है तो नोट आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 1600 केजी बिकॉज टोटल कॉस्ट रुपीज 76754 इज लोअर देन अदर्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का टोटल कॉस्ट लोअर आया है 1600 पे, तो 1600 को ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माना जाएगा। आप देखिए यहां बोला था बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। ओके, तो ये हो गया ईओ की विदाउट फॉर्मूला, टेबुलर हुआ। सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकालने का प्रिपरेशन करो, लॉट साइज, एनुअल रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज स्टॉक कॉस्ट पर केजी, एवरेज स्टॉक कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आता है, उसको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, दिस विल बी आवर टोटल कॉस्ट। जहां टोटल कॉस्ट लोअर होगा वही हम लोग का ईओके होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।